कि ये सोच के जाएं कि जो सरबुलंद चले हो तो सरबुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतेहमंद आना, जब जब परीक्षा नजदीक आता है। तो हर लोग दलाल सेटरबाज इनसे तो दूर रहे ही, अगर ये डिस्टर्ब करने का प्रयास करे तो इसकी सूचना प्रशासन को दें, क्योंकि ये बहुत बड़े कोड़ साबित होंगे इनके बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। अभी हम गुरु रहमान सर के पास पहुंचे हैं, परिचय के मोहताज नहीं है और लगातार खबरें भी आपको हम दिखाते हैं। 2213 दरोगा अभ्यर्थियों के बारे में बात करने वाले हैं। 24 को मेंस की परीक्षा होनी है और लगातार ओटीपी की परेशानी थी, सर ने काफी कुछ मेहनत की है, सर से ही जानेंगे। अब अभ्यर्थी परेशान है, 24 को परीक्षा होने वाली है, सर क्या संदेश है इनके लिए? देखिए, कोई भी परीक्षा हो या ऑपरेशन कराने आदमी जाए या कोई भी काम करने जाए जो कि उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, तो ऐसी परिस्थिति में परेशानी होना एक लाजमी चीज है, घबराना लाजमी चीज है। ऑपरेशन थिएटर में आदमी जाए और घबराए नहीं तो समझिए कि उसमें जरूर कोई ना कोई अलग बीमारी है। तो 2213 सब इंस्पेक्टर के अंदर घबराहट है, तो ये घबराहट अच्छे परिणाम के आने का सूचक है, क्योंकि इन लोगों ने पढ़ाई बहुत बढ़िया की है, मेहनत की है, मेहनत करके इन लोगों ने पढ़ाई किया है, तो अब घबराने का समय नहीं है। हालांकि घबराहट किसी परिस्थिति में आप निर्दिखाएं, कोई बोले ये घबराहट खत्म नहीं होगी उस समय तक। एक बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 2213 सब इंस्पेक्टर का जो नियुक्ति है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों को अब ध्यान रखना है कि दो श्रेणी में एग्जाम है, शुरू में 8.5 बजे से हिंदी है, उसके बाद आपको फिर आपको उनका जीएस का पेपर जो है मुख्य रूप से उनको जो जिसपे उनका सिलेक्शन मेरिट बनना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग एक बिस्लेरी का बोतल ले लें, अब बिस्लेरी के बोतल में ग्लूकोन डी डाल के घोल के ले जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, तो दिक्कत है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि 2213 के परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में 16,000 लोग ऐसे थे, अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको ओएमआरसी भरने कारण, गलत ढंग से भरने कारण वो छट गए, तो निश्चित रूप से ये अपना 10 से 15 मिनट समय ओएमआरसी भरने में देंगे। बहुत जरूरी है कि ओएमआरसी अगर ठीक से भरा गया तो समझिए कि 50% इनको निश्चित सफलता मिल सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी लड़के का मैथ कमजोर है या किसी लड़के का किसी और पेपर कमजोर है और क्वेश्चन की शुरुआत वहीं से उसकी हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में लड़का डिप्रेशन में चला जाता है। तो मैं ऐसी में यही कहूंगा कि अगर आपका मैथ कमजोर है और मैथ से ही क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है तो आप चुपचाप उसको पलट दीजिए और जहां से आपको आ रहा है वहीं से बनाना शुरू कीजिए। आप सबसे पहले उन क्वेश्चन को बनाइए जो इससे 100% श्योर है, गोला भरिए बढ़िया से, गोला इधर बाएं दाएं नहीं जाएगा, वाइटर का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ब्लेड का या नाखून का प्रयोग बिल्कुल ना करें। दूसरी बात कि आपको ये जब बना लेंगे ये क्वेश्चन जो उनको अच्छी तरह से आता है उसके बाद देखेंगे सेकेंड राउंड में कोई क्वेश्चन बनता है उसको बनाएं, और लास्ट में मान लें कि जो पेपर एकदम नहीं बुझाता है उसमें वो रिस्क लें, क्योंकि 10 नंबर पर एक नंबर कटने की बात है, 5 क्वेश्चन पर एक कटेगा और 5×10 यानी 10 नंबर पे, तो ऐसी परिस्थिति में रिस्क लेना है इनके लिए फायदेमंद होगा, वो करें। दूसरी बात कि अभी परीक्षा के समय में दलाल सेटरबाज लोग बहुत तेजी से घूम रहे हैं, उनसे बचने का प्रयास करेंगे क्योंकि वे लोग दिग्भ्रमित करेंगे। और याद रखिए कि 2213 में इतना चिल्लाए हैं हम लोग, मैं हूँ, दिलीप हूँ, सब लोग इतना चिल्लाया है और आपके लाइव बिहार के माध्यम से, आदेश परी माध्यम से या अन्य सदाम में लिखे उसके माध्यम से हम लोग इतना चिल्लाए कि निश्चित रूप से 2213 में पीटी में तड़ी भी धांधली नहीं हुई थी, तो उसी तरह मुख्य परीक्षा में भी धांधली नहीं होगी और लड़के पूरी तरह से आत्म केंद्रित होकर परीक्षा दें, क्योंकि परीक्षा में बहुत सारे लोगों को होता है कि परीक्षा हॉल में गए और लगता है कि उनको कुछ याद नहीं है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो गलत है। अभी लड़का वो लगता हो कि उसने जो पढ़ा है वो भुला गया, जो तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रत्येक परीक्षार्थी को होगा, तो इसमें उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओएमआरसी को पूरी सावधानी के साथ भरेंगे, दलालों से चोरों से सावधान रहेंगे, र्यूमर से सावधान रहेंगे, और अभी आज 14-15 तारीख है, 15-10-25 उसमें 2 घटा दीजिए तो यानी कि इनके पास 1 सप्ताह का समय है और 6 घंटा में प्रमाण बना है, तो 1 सप्ताह में अगर दरोगा वास्तव में ये बनना चाहते हैं तो जो भी इनके पास मेटेरियल इन्होंने पढ़ा है उसको रिवाइज करें,
रिवाइज करें। किसी भी नकारात्मक छवि वाले लड़के लड़का जो निगेटिव सोचता हो, निगेटिव बात करता हो, उससे दूर रहें। कोई भी गाड़ी फाड़ी नहीं चलाए, चोट लग सकती है। और अपने आप को स्वस्थ भी रखें, सुरक्षित भी रखें और परीक्षा दें। निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। नया पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो पढ़ा गया है उसी को रिवाइज करें। और ये सोच के चलें कि 2213 सीट में एक सीट मेरा है तो है, ऐसा सोच के जाएंगे तो निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। देखिए, हमने गुरु रहमान सर से बात की और इनसे पूछा कि 2213 दरोगा के जो अभ्यर्थी हैं वो मेंस की परीक्षा देंगे तो तैयारी जो है आखिरी चरण में है और परीक्षा होनी है, तो कई तरह के जो सवाल हैं वो चलने लगते हैं। तो ऐसे में सर ने स्पष्ट कर दिया है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो दलालों से सावधान रहे और तमाम जो चीजें हैं, जो गाइडलाइन है, जो एग्जाम से पहले जरूरी होते हैं, उसका अनिवार्य रूप से पालन करें। देखिए, कोरोना के हम लोग भयावह त्रासदी से गुजरे हैं और प्रत्येक परीक्षा में कोरोना के वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो ये लोग जिस दिन परीक्षा देने जाएंगे उसके पहले ही 2-3 पेन ले लें, जिस पेन से वो रंगेंगे, और उस पेन का कम से कम एक पेज जरूर लिख लें ताकि पेन चलने में कोई दिक्कत ना हो। पेन ले लें, एडमिट कार्ड लेना किसी परिस्थिति में ना भूलेंगे, आधार कार्ड लेना किसी परिस्थिति में ना भूलेंगे, हो सके तो 3 फोटो भी रख लें, किसी भी परिस्थिति में उसको छोड़े नहीं, 3 फोटो रख लें। साथ ही साथ जिन लोगों ने डबल वैक्सीनेशन करा लिया है उस डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट रख लें, और जिन्होंने नहीं कराया है तो 1 समय बच रहा है, आरटीपीसीआर का टेस्ट करा लें और उसको लेकर जरूर जाएं, क्योंकि यह उनके मन में थोड़ा देर के लिए समस्या पैदा कर सकता है और यूं कहिए कि परीक्षा में बैठने भी नहीं दे सकता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से आयोग ने उसकी डिमांड की है। तो ये काम करें और जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सोच के जाएं कि जो सरबुलंद चले हो तो सरबुलंद आना, सफर से लौट के आना तो फतेहमंद आना। विजयी भव के आशीर्वाद के साथ मैं गुरु रहमान दावे के साथ कह रहा हूं आपके लाइव बिहार चैनल से कि बच्चों ने जिस तरह की पढ़ाई पढ़ी पीटी में उसका रिजल्ट उनको मिला। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की ओटीपी की समस्या थी, माननीय मंगल पांडे और माननीय नितिन नवीन के माध्यम से उनकी समस्या का निराकरण हुआ। बहुत प्रयास हम लोगों ने किया, आप लोगों ने भी किया, उसका समस्या दूर हो गया। तो अब इनके पास एक ही समस्या बचा है कि कैसे क्रैक किया जाए परीक्षा को। अब परीक्षा को क्रैक करने के लिए इनके पास जील चाहिए, पागलपन चाहिए, जो उन लोगों ने दिखा दिया है। अब चाहिए कि किसी तरह अपने आप को आत्मकेंद्रित करके ईश्वर का नाम लेके परीक्षा में जाए और फतह करके आए। सर, आखिरी सवाल है हमारा, जाल सजो जो है, मतलब जो लगातार ठगी करते हैं, बहुत तरीके के दावे करते हैं, उन लोग जो है अब संपर्क करने लगे हैं, ऐसी भी खबरें चल रही है। नहीं नहीं, ये हर परीक्षा में, मैं 1994 से पढ़ा रहा हूँ और 1994 से लेके अभी तक देख रहे हैं कि जब जब परीक्षा नजदीक आता है तो हर लोग दलाल, सेटरबाज, सो कॉल्ड सेटरबाज, ये लोग उभर के पानी के बुलबुल्ला, बरसाती बुलबुल्ला के जैसा, बरसाती मेढक के जैसा सामने आते हैं। इनसे तो दूर रहे ही, अगर ये डिस्टर्ब करने का प्रयास करें तो इसकी सूचना प्रशासन को दें, क्योंकि ये बहुत बड़े कोड़ साबित होंगे इनके मार्ग में, इसलिए इनसे बचने की आवश्यकता है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।